और पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अभी हम लोग पिछले लेक्चर में नहीं फोर्थ वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और इस वाले आज के लेक्चर में हमें बात करनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस एक साथ आ रहे हैं, तो कुछ तो इसमें डिफरेंट होगा और जो कुछ भी होगा उसे देखना है। तो चलिए बिना देर के भी स्टार्ट कर लेते हैं क्लास और करेंगे सारी बात, ठीक है? आइए तो देखिए यहाँ पे है हमारा फोर्थ वाला, प्रेजेंट का फोर्थ है और प्रेजेंट का लास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? प्रेजेंट का फोर्थ है और लास्ट भी, तो ये रहा आपके सामने आएगा इस प्रकार, प्रेजेंट प्रेजेंट और फिर बोलेंगे इसको परफेक्ट और फिर बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल सही आपके सामने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि परफेक्ट जो आपने सीखा वो अभी अभी रिसेंट मतलब पिछली वाली वीडियो में बात हुई थी कि पूर्ण होता है, और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जारी, और टेंस मीन्स तो कॉल ही है। तो यहाँ पे बात करनी है हमें परफेक्ट और जारी, मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण और जारी। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं चुका है तो परफेक्ट तो हो जाएगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा। अगर हम ये कह दें कि रहा है रही है तो कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाएगा। हमें कुछ ऐसा बोलना है कि जिसमें दोनों ही आ जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, ये नहीं। तो अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि चुका रहा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो कैसे हो पाएगा, इसकी पहचान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें सबसे पहले बता दूं कि देखिए परफेक्ट का मतलब है कि काम समाप्त होना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कार्य जारी रहना। तो सिंपलेस्ट बात यह हुई इसमें कि जिस भी काम के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो उसमें काम क्या होगा, कि कुछ समय से चला है अभी आगे भी चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जितना काम चला है वो आपका परफेक्ट है और जितना जहां से आगे बढ़ रहा है वही क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो कितने घंटे से पढ़ रहा है? 2 घंटे से। तो 2 घंटे उसने पढ़ लिया है और अभी आगे चल रहा है, तो जो 2 घंटे उसने पढ़ लिया है वो क्या है, परफेक्ट है, और जो आगे चल रहा है वही क्या अपना है, कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल आसान है। तो आइए पहचान बताते हैं बिल्कुल आपको, ठीक है? तो ये देखेंगे इसकी पहचान हम करेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिकग्निशन, क्या लिखा जाएगा, रिकग्निशन। रिकग्निशन को हिंदी में कहते हैं पहचान, तो चलिए देखिए ये हो जाएगा कैसे रहेगा, सिंपलेस्ट है, यही लिखिएगा रहा है, ठीक है? और क्या बोला जाएगा, रही है, और क्या हो सकता है, रहे हैं, यानी रहा है रही है रहे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। यहां भी क्या लेना पड़ेगा, और भी कहिए, तथा कार्य कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है। बिल्कुल ये सही है कि रहा रही रहे लास्ट में आएगा और साथ साथ कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया होगा, तब जाके वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये हो गई पहली बात, अब करेंगे इसमें दूसरी बात जो होगी वो होगी इस प्रकार, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आना है, आपका होगा हैज और इसके बाद होगा हैव, और इन दोनों के साथ लग जाता है बीन, तो इसलिए कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, हैज बीन और हैव बीन कहेंगे। अब बात करते हैं हम इसमें तीसरे पॉइंट की, जो बात होगी वो होगी वर्ब को लेकर। तो वर्ब इसमें आएगा फर्स्ट फॉर्म में लेकिन उसमें लग तो जाएगा आईएनजी। अब इसमें फोर्थ पॉइंट पे अगर बातें करेंगे तो यहां पे फोर्थ बात की जरूरत पड़ेगी से, और से की अंग्रेजी आपने सुना होगा बचपन से लगाया होगा, सिंस होता है और क्या होता है, फॉर, यानी ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा फोर्थ वाली बात है वो क्या होगी, से की अंग्रेजी होगी, और से की अंग्रेजी क्या होगी, सिंस होगी, और क्या हो सकती है, फार हो सकती है। तो चलिए ये रहा मेरे साथ इस प्रकार। अब यहां पे हम लेते हैं,
आगे और बातें करते हैं आपसे ये कि नहीं, ये चार बातें अगर आपके पास है तो आप सही कर पाएंगे विचार, क्योंकि बातें होंगी चार और आप सही करेंगे विचार। किस बात के लिए? अनुवाद के लिए, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसलेशन करने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस, जहां कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस की बात की जाएगी? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए पहला एक यहां पे एग्जांपल लेंगे। कौन सा लेंगे? इस प्रकार से, वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। वह दो दिन से, दो दिन से स्कूल जा रहा है। क्या लिखा है? देखिए बिल्कुल आप पढ़ पा रहे हैं कि वह दो दिन से स्कूल जा रहा है। मुझे समझ आ रहा है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे है यही तो जानना है। देखिए यहाँ पे क्या आया है? रहा है आया है। क्या आया हुआ है? रहा है। और दूसरी बात, इसमें समय भी दिया है। क्या दिया हुआ है? समय। जैसा मैं बता रहा था कि मतलब अगर ये समय न होता तो क्या होता? सिंपल सी बात है, पढ़ के तो देखो जरा कि वह स्कूल जा रहा है, तो अगर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, और रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बस डिफरेंस इतना ही तो होता है समय का, कि अगर समय है मतलब रहा है तो पता नहीं है कि वो क्या है। कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन रहा के साथ अगर टाइम भी दे दिया ना तो वो कंफर्म है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होना है। अगर समय नहीं है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस होना है, बस इतना आपको समझना है। तो चलो यहाँ पे रहा भी है और समय भी है, तो दोनों हो गया ना, परफेक्ट भी हुआ और कॉन्टिन्यूअस भी हुआ। चलो तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। वर्क अंग्रेजी ही, इसके साथ क्या लगेगा? अपना हैज, फिर क्या लगाएंगे? बीन, और फिर क्या काम हो रहा है? जाने का। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो, इसमें लगा देंगे आई एन जी। तो ही हैज बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है? तो ये हो जाएगा स्कूल। तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब देखो स्कूल तो जा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज तो और भी है कि दो दिन से जा रहा है। कब से जा रहा है? दो दिन से। वैसे जनरली तो से की अंग्रेजी होती है, सिंस और फार लगाते हैं लोग, और सिंस फार तो लगेगा, लेकिन लगाने की प्रोसेस में अगर बात करें तो निश्चित और अनिश्चित वाले खेल में चलते हैं। कई बार होता है टाइम को लेकर के कंफर्म नहीं हो पाते कि वो निश्चित है या अनिश्चित है। तो बहरहाल अभी तो मैं आपको उसी निश्चित और अनिश्चित के मतलब पैटर्न पे ही बताता हूँ, लेकिन जैसे ही होगा हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बिल्कुल कर दूंगा क्लियर, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक अलग तरीके से बताऊंगा। बहरहाल अभी भी हाँ, अभी हम जो सीख रहे हैं वो निश्चित और अनिश्चित पे चलते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला हमारा, ठीक है? दो दिन, दो दिन क्या होता है? अनिश्चित माना जाता है, इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा? फार, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? लगा लेंगे अपना टू, और डेज की अंग्रेजी हो जाएगी ये। तो इस प्रकार से बन गया कैसे? वह दो दिन से स्कूल जा रहा है। अंग्रेजी उसका इस प्रकार है, किस प्रकार? ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज। बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए अगर आप इसको समझने में सफल हैं तो आइए बना लेते हैं एक रूल जो होने नहीं देगा आपसे किसी प्रकार की भूल। तो ये रहा आपके सामने क्या है रूल, इस तरह से लेंगे। हाँ ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट, और इसके बाद आता है ये वाला प्लेटफॉर्म कि अगर एस एन है और यहाँ पे क्या रहेगा? पी एन एस है। अगर एस एन हुआ तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? है, और प्लूरल हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? है। अब इन दोनों के बाद हमको मिलेगा क्या? बीन। क्या मिलेगा? बीन। और इसके बाद क्या आता है? वर्ब, और वर्ब में क्या होता है? आप लगाते हैं आई एन जी, और उसके बाद आप आई एन जी के बाद आप लेते हैं क्या? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लेते हैं ई टी सी। अब ये रूल अगर है आपके पास तो ये होने नहीं देगा आपसे किसी भी प्रकार की भूल। चलिए बना लेते हैं एक और सेंटेंस लेते हैं यहां पे इस प्रकार, ठीक है? हाँ, जैसे वे लोग दो बजे
सी, वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल आप सही पढ़ पा रहे हैं कि वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने बजे से? 2 बजे से खेल रहे हैं, यानी रहे भी है और बजे भी है, तो मतलब रहे भी या मिल गया और समय भी मिल गया नहीं, तो इस तरीके से हम क्या ले लेंगे, वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी, वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, इसके बाद क्या हो जाएगा हैव, और इसके बाद क्या लगाएंगे बिन, तो दे हैव बिन। अब क्या हो जाएगा, खेलने की अंग्रेजी हो जाएगी प्ले, जिसमें जुड़ जाएगा आपका आईएनजी यानी कि प्लेइंग। अब ये क्या हो जाएगा, फिर हो गया क्रिकेट, दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या है कि समय बचा हुआ है, क्या कितने बजे की बात है, मतलब समय बच गया आपका 2 बजे से, तो समय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ से की अंग्रेजी आप ले लेंगे सिंस और 2 के लिए 2 और फिर इस तरीके से बना देंगे 2 o'clock, क्या बना देंगे 2 o'clock। तो इस तरीके से आपका ये बन के हो गया तैयार कि वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, अंग्रेजी हम इस प्रकार बोल रहे हैं दे हैव बिन playing cricket since 2 o'clock। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्या, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बातें करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसका नाम क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटरोगेटिव। आइए लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और करते हैं बातें, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव क्या रहेगा, ये है सेंटेंस। अब इसमें कौन सा ये हमारे पास है, ये है अपना टाइप 2, ठीक है। तो ये रहेगा, नहीं सॉरी, टाइप 1 हमारा सबसे पहले हो जाएगा। हाँ, तो देखिए अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो ये पहले हम लोग सीखेंगे टाइप 1 और इसके बाद बात करेंगे टाइप 2 के। तो देखिए टाइप 1 में क्या होता है, बहुत ही आसान है, टाइप 1 में कुछ नहीं करना है, नहीं, वही टाइप 1 में माना जाएगा जो कि आपका क्या से शुरू होता है, यानी क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस जो होता है वो किस में माना जाता है, टाइप 1 में माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे ऐसे ले लिया जाए, यानी क्या वह 2 दिन से, क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, यानी बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं कि क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, यानी क्या मिला आपको, यानी प्रश्न। और जैसे ही मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। क्या बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आपका है, यहाँ पर लिया जाएगा हैज। हैज किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज ही, और फिर क्या हो जाना है, बीन। तो हैज ही बीन। अब बात आएगी वर्ब की, तो वर्ब कौन से फॉर्म में, मतलब कौन सा होगा, तो यहाँ पे वर्ब तो फर्स्ट लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या जोड़ा जाएगा, आईएनजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैज ही बीन गोइंग। अब बात आती है कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्कूल, तो ये नहीं हो जाएगा, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल, कहां पर हो गया ये, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल। अब कब से जा रहा है, 2 दिन, यानी 2 दिन से जा रहा है, तो से की अंग्रेजी क्या आनी है, से की अंग्रेजी आनी है फॉर, तो ये हो जाना है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर 2 और क्या हो जाएगा, डेज, ठीक है, ये हो जाएगा कृष्णा। तो देखिए गाइस ये बन के आपका हो गया तैयार, यानी अनुवाद तो आपने कर लिया, कैसे हिंदी में बोलेंगे कि क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए क्या करते हैं, बना लेते हैं रूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं अपना रूल, ये रहेगा, देखिए सबसे पहले जो अपने काम किया वो क्या लिया, हैज,
और इसके बाद क्या आपने लिया हुआ है, हैव। अगर इसके बाद अगर बात करें तो ये रहेगा आपका क्या, एसएन। और यहाँ पे अगर बात करना चाहेंगे तो ये रहेगा पीएनएस। अब ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप हैज ले लेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो आप क्या लेंगे, हैव लेंगे। और इन दोनों के बाद अगर बात करें तो आपको मिलेगा क्या, बीन। और बीन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है क्या, वर्ब ओवी किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, और उसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ये होता है एटीसी। तो ये बनके हमारा तैयार होता है क्या, अपना रूल। ठीक है, एक रूल अपना हो गया ये तैयार। अगर ये रूल पे अगर आप काम करेंगे, नहीं ट्रांसलेशन करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, ये बहुत आसान पैटर्न पे हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और उस एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, दूसरा अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो इस तरीके से कहा जाएगा क्या, वे लोग, क्या वे लोग 2 बजे, क्या वे लोग 2 बजे, 2 बजे से, ठीक है। और फिर क्या बात हो रही है, क्रिकेट, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी ये पूछा है कि क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यह भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका बनके तैयार है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पे मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, किससे शुरुआत है, क्या जब होती है क्या से शुरुआत, तो हमें क्या बात समझ में आती है बिल्कुल कि क्या के अंग्रेजी नहीं लिखना है, और क्या के अंग्रेजी नहीं लिखना है तो वहां पर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब देखिए किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे ये ले लेंगे हैव, और हैव के बाद क्या आता है, ये हो जाता है आपका दे। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीन। तो ये हो गया हैव दे बीन, हैव दे बीन। अब क्या है, खेलने की अंग्रेजी, तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, ये होती है प्ले, जिसमें क्या जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे आईएनजी। तो ये हो गया हैव दे बीन प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को लिखा जाएगा सी आर आई सी के ईट। तो हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या खेल रहा है भाई, क्रिकेट खेल रहा है। कब से खेल रहा, 2 बजे से। तो सेकी अंग्रेजी क्या लगाई जाएगी, सिंस। यानी सेकी अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंस। अब 2 तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा, ओ क्लॉक। क्लियर, तो ये हो गया आपका, देखिए Have they been playing cricket since 2 o'clock? यानी हिंदी में अगर आप कहते हैं कि क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि Have they been playing cricket since 2 o'clock? तो dear guys, मुझे उम्मीद है कि आपको type 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप type 1 समझने में सफल हो गए तो अब लेते हैं हम लोग type 2, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का type 2 पढ़ते हैं। उसमें देखेंगे कि कैसे हम बनाने का प्रयास करेंगे और कैसे क्या चेंजेस है। वैसे मैं जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस type 2 में क्या होता है कि कब, क्यों, कहां, कैसे, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो आता है वाक्य के बीच में। तो आप उसका कैसे बनाएंगे, इस बात को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलिए, तो हमने ये ले लिया है अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पर सीखना चाहेंगे हम लोग type 2। तो आप जरा देखिएगा, यहां पर हो जाएगा मेरा क्या, ये हुआ type 2, ठीक है, type 2। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कहा जाए कि वह सुबह, वह सुबह से क्या कर रहा, वह सुबह से क्या कर रहा है।
यानी ये पूछा गया है कि वह सुबह से क्या कर रहा है, यानी कि क्या शब्द देखे तो बीच में आया है, एक प्रॉब्लम है, फील होता है, यानी इसको कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत आसान है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी टाइप वन अगर आपको आता है तो ये टाइप टू आप बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। बस एक चीज का ध्यान देना कि जो बीच में आएगा ना उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब थोड़ी देर के लिए भूलने का मतलब कि मालूम हुआ सुबह से कर रहा है तो ये कर रहा है। अब इसमें अगर आप टाइप टू, ये मतलब बीच में है, तो अगर सपोज कि टाइप वन होता तो क्या शब्द पहले आता ना, कहाँ आता, क्या शब्द पहले आता। अगर मानो कि टाइप वन के तरीके से हम इसको बनाएं, क्या शब्द पहले आएगा तो हम उसकी मतलब क्या क्या अंग्रेजी तो नहीं लिखेंगे, वहां लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सपोज बेटे यहाँ पे क्या कर लेना, अपना हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाया, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका ही, और ही के बाद क्या लगाना है आपको, बीन। अब जाने के मतलब करने की अंग्रेजी बोल, क्या करने के, तो डू, डू में क्या होता है, आई एन जी लगा देंगे, ठीक है, डूइंग। तो अभी तक ये बन के तैयार हुआ कि हैज ही बीन डूइंग। अब ये देखो कह रहे भैया कब से काम कर रहा है, सुबह से, तो सुबह से यानी से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सिंस, और सुबह की अंग्रेजी क्या होनी है, सुबह की अंग्रेजी होनी है मॉर्निंग, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब क्या देखो जरा कि बीच में आपका कौन सा शब्द है जिसकी अंग्रेजी नहीं लिखी गई, तो वो कौन सा शब्द है, क्या, तो उस क्या को क्या करेंगे हम सबसे पहले कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको पढ़ेंगे तो ये बन के हो गया पूरा कंप्लीट का कंप्लीट, तैयार हुआ। अगर हिंदी में कोई पूछे कि वह सुबह से क्या कर रहा है तो आप उसे इंग्लिश में बताना चाहेंगे कि व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये बताना चाहेंगे, डेफिनेट सी बात है। चलो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बना लेंगे ना अपना रूल, क्या बनाएंगे, चलो तो ये बना लेंगे रूल। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने जो काम करा ना वो काम क्या करा था कि डब्ल्यू एच को हमने पहले लिया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो हमने क्या लिया हुआ था, देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, ये रहेगा। अगर मानो कि यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं हैज, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपना है। अब इन दोनों के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सपोज कि अगर हमारा एस एन होता है और यहाँ पे क्या होता है, पी आर एस होता है। अगर हमारा ये एस एन का मतलब कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हम क्या करेंगे कि हैज को लेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा कि प्लूरल होगा, तो हम क्या लेने वाले हैं, हैव ले लेंगे। अब इनके बाद अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ, बीन लगाया हुआ। इसके बाद क्या जोड़ेंगे, बीन, और बीन के बाद अगर बात करें तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो वर्ब, तो वर्ब मिलेगा। तो वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब इसके बगल में क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं आईएनजी, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें कि आईएनजी के बाद भी क्या आ सकता था, तो वो आने वाली चीज है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो लास्ट वन होता है वो क्या होता है, एटीसी। अगर हम बात करें तो ये रूल हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आप इस रूल पे अपना ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करेंगे तो बिल्कुल आपको परफेक्शन मिल जाएगा, यानी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। तो आइए इस बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल हम खुद बनाते हैं यहीं पे और मिल करके बना लेते हैं। तो पहले क्या होगा कि मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी लेंगे सेकेंड, तो उसको इस रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ये रहा आपका ऐसे। अब यहां पे पूछा जाएगा कि वे लोग दो बजे से कहां, दो बजे से कहां जा रहे हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टाइप टू, जो टाइप टू में अगर मैं बात करूं, ये क्या है कि वे लोग दो बजे से कहां जा रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल बात समझ में आ गई कि ये जो बीच में आया है ये क्या है, टाइप टू को बताता है। यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आता है बीच में वही मेरे को बताता है कि ये वाला टाइप टू है। तो आप टाइप टू के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मतलब रूल आपके पास है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ कि व्हाट, तो ये क्या रहेगा आपका, डब्ल्यू एच रहता, ठीक है, यहां से प्लस करके। तो ये जो डब्ल्यू एच है आपको ये किस में लेके चलेगा, तो ये डब्ल्यू एच में यहाँ पे कोई भी आ सकता है, नहीं कोई भी डब्ल्यू एच हो सकता है, चाहे वो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके लिए बात आती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम अपना लेंगे क्या, डब्ल्यू एच हमारे पास क्या है, तो ये हो जाएगा आपका वेयर, क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, ये
वेयर। अगर यहाँ पे वेयर करें तो इसके बाद देखेंगे क्या है कि है जाएगा या तो है जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दे, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो पाएगा आपका, ये हो जाएगा बीन, ठीक है। अब बीन के बाद अगर बात करें तो वर्ग कौन से मतलब काम हो रहा है, जाने का, जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी गो, जिसमें क्या लगाएंगे हम लगाएंगे आईएनजी, ठीक है। तो वेयर हैव दे बीन गोइंग, अब कब से जा रहा है, दो बजे से, दो बजे किससे जा रहे हैं, तो से की अंग्रेजी क्या लगानी है हमें, यहाँ पे लगानी पड़ेगी सिंस। अब दो के लिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है टू, और फिर ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका क्लॉक, ठीक है, ये बन के हो गया। तो अगर देखा जाए वे लोग दो बजे से, वे लोग दो बजे से कहाँ जा रहे हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में हम कैसे बोल पा रहे हैं कि वेयर हैव दे बीन गोइंग सिंस टू ओ क्लॉक, यानी कि वे लोग दो बजे से कहाँ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो टाइप टू है, यानी सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप वन और टाइप टू आप कवर कर लिए, यानी सीख लिए हैं। तो अब बाकी की बातें हम कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट सेंटेंस जो आएगा वो आपका रहेगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब जी हाँ, अब बात करेंगे हम तीसरे सेंटेंस की, और जिसका नाम है निगेटिव। कौन सा गेटिव है, निगेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस की बात करेंगे, निगेटिव, जी बिल्कुल, जिसमें होता है विरोध, यानी आता है नहीं, होता है विरोध, उसी को कहते हैं नकारात्मक वाक्य या तो निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो करना है उसी की बात, तो क्यों करें हम देर, क्यों ना करें शुरुआत। आइए यहाँ पे लेते हैं पहला एग्जाम्पल, और इस प्रकार से कि वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। बिल्कुल आप पढ़ पा रहे होंगे सही कि वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे रहा भी है और समय भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और जब इसमें बीच में नहीं है तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हमें कर लेना है ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद तो करना है किस बात की देरी, जब हमें सारी है जानकारी। तो आइए, वह की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पर ही, और जिसके बाद क्या लग जाएगा अपना हैज, और इसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, फिर बनाएंगे अपना क्या बीन। तो ही हैज नॉट बीन, अब क्या है जाने की बात करेंगे, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है गो, जिसमें क्या लग जाएगा आईएनजी। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग, वह नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा टू। अब बात आएगी किसकी, स्कूल की, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, कब से नहीं जा रहा है, दो दिन से की अंग्रेजी हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर, और दो की अंग्रेजी होती है टू, और दिन की अंग्रेजी होती है डेज, ये बन के हुआ आपका पूरा तैयार। तो वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज, बिल्कुल आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, यानी सॉरी नेक्स्ट में क्या करना है, रूल बना लेते हैं, ठीक है। रूल आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होने नहीं देगा आपसे कोई भूल, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, सब्जेक्ट, अब इसके बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारा बीच में आता है, और यहाँ पर क्या आएगा हैव। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगा लीजिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और दोनों के साथ आपको लगाना पड़ेगा क्या है एनओटी, मतलब नॉट, और नॉट के बाद आप लगा सकते हैं क्या बीन, और बीन के साथ आप लगा सकते हैं वर्ब में क्या आईएनजी, और आईएनजी के बाद आप लगा सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे आप ईटीसी। ये हो गया बन करके आपका तैयार। तो यहाँ करेंगे नहीं किसी का इंतजार, क्योंकि रूल हो गया बन के तैयार। अब हम अनुवाद करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। आइए, अभी बहुत रूल रटा था, अब ये रूल के हिसाब से करते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, ये वे लोग सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़िए, वे लोग सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। कब से नहीं पढ़ रहे हैं? सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये रहे हैं, और यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो हुआ ही है। अब इसको कर लेते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी? दे। फिर क्या आएगा? देखिए, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा आपका? हाइप। अब इसके बाद देखिए आ जाएगा आपका एनओटी, मतलब नॉट। फिर क्या हो जाएगा इसके बाद आपका? हो जाएगा बीन। तो दे हैव नॉट बीन क्या नहीं कर रहे? पढ़। पढ़ने की अंग्रेजी क्या है? रीड। अब इसमें क्या जोड़ देंगे आप? इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग कब से? सुबह से। तो ये हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट बीन रीडिंग, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट मिसिंग है, इसको मेंटेन कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, क्या नहीं मतलब पढ़ रहे थे? तो अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश के बाद है कब से नहीं पढ़ रहे थे भाई? सुबह से नहीं पढ़ रहे। तो से की अंग्रेजी क्या होती है? यहाँ पर लगाएंगे हम सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। और फिर क्या है? सुबह की अंग्रेजी हो जाएगी मॉर्निंग, ठीक है। सुबह की अंग्रेजी क्या है? मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस आपका हुआ बन के कंप्लीट पूरा। जो आप देख पा रहे हैं कि वे लोग सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको अंग्रेजी में हम बोल रहे हैं दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यानी कि वे लोग सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में क्या है? दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये निगेटिव सेंटेंस का मतलब नेगेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया से आप इस सेशन को समझ रहे होंगे। तो सेशन को और भी आगे लेके चलते हैं और पढ़ाते हैं, और आज हम लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा नाम है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए, तो अब लेते हैं फोर्थ वन सेंटेंस, जिसको कहेंगे इंटरो, फिर क्या कहेंगे? नेगेटिव, फिर क्या कहेंगे? सेंटेंस। जी बिल्कुल, आप सही पढ़ पा रहे हैं कि इंटरो नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरो नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बात करनी है, जिसमें प्रश्न भी आना चाहिए, नहीं भी आना चाहिए, और वो जब दोनों साथ में होगा तभी हम उसे कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहेंगे। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। चले बिल्कुल, तो ये रहेगा हमारा इस प्रकार, क्या वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? बिल्कुल, क्या वह दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? यहां मिल रहा है कि क्या से शुरुआत है, बीच में नहीं है,
तो प्रश्नवाचक भी हुआ और नकारात्मक भी हुआ, ठीक है। तो चलिए, और रही बात इस टेंस की पहचान, तो रहा के साथ समय भी दिया है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हुआ ही, तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये पता है कि क्या से अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत होती है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखते तो क्या करते हैं, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा अपना, हैज, फिर क्या है ही, फिर क्या नॉट है तो नॉट, फिर बीन, ठीक है। अब वर्ब की बात की जाएगी तो वर्ब क्या है, जाना, जाने की अंग्रेजी ये को, इसमें क्या लगेगा आपका आईएनजी, कहां जाने की बात है स्कूल, तो ये हो जाएगा टू, ठीक है, एक ही ऊ रहेगा, एक हटाएंगे टू, फिर क्या हो जाएगा स्कूल, ठीक है। तो हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, कब से नहीं जा रहा है, दो दिन से, तो दो के मतलब सी की अंग्रेजी फॉर, दो की अंग्रेजी, दो की अंग्रेजी टू, और दिन की अंग्रेजी क्या है डेज, ठीक है, यानी यहाँ पे लगाएंगे हम फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज, अब ये हो गया बनके तैयार। यहां बना लेते हैं हम रूल, क्या बनाते हैं रूल। अब यहां देखेंगे सबसे पहला काम हुआ हैज लेना, और दूसरी बात है कि इसका है भी हो सकता था। इसके साथ आपने देखा कि अगर एस एन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ पी एन एस हुआ, अगर ये सिंगुलर हुआ तो है, मतलब सिंगुलर हुआ तो हैज लगा लेंगे, प्लूरल हुआ तो हैव लगाएंगे, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम सब्जेक्ट के बाद लेते हैं एन ओ टी, मतलब नॉट। अब इसके बाद अगर बात करें तो क्या लेते हैं हम, इसमें लेते हैं बीन, और इसके बाद अगर बात करें तो वर्ब में क्या आता है आई एन जी आता है, अगर इसके बाद बात करें तो वर्ब में क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, अब इसके बाद अगर बात करें तो वर्ब में मतलब इसके बाद क्या आएगा ईटीसी। अब अगर ये नियम आपके पास है, ये रूल आपके पास है, तो ये सेंटेंस आप बनाने में बहुत आसान महसूस करेंगे, बहुत इजी होगा आपके लिए, लाइफ नहीं होगी बिजी, क्योंकि ये होगा आपके लिए इजी। थोड़ा सा इसी में ऊपर लाइन कर लेता हूँ, नीचे स्पेस बच जाएगा मेरा, है हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ बच गया स्पेस। हाँ तो अब क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एक और, देखिए क्या वे लोग, क्या वे लोग बचपन से अंग्रेजी, बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, क्या वे लोग बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बोला गया, क्या वे लोग बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल समझ हमें आ रहा है कि क्या है, नहीं है, तो प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है। तो चलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या अगर पहले तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वहां क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका हैव, क्या हुआ हैव, फिर ये हो जाना है दे, अब इसके बाद क्या है कि नॉट लगा लेंगे, क्या लगाएंगे नॉट, और इसके बाद बीन, बाजा बजा लेंगे, अरे बजाओ या लगाओ, ठीक है। तो यानी कि है दे नॉट बीन, अब क्या है काम पढ़ने का, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है रीड, अब यहां क्या हो जाएगा इसमें आई एन जी हो गया, ठीक है। तो है दे नॉट बीन रीडिंग, अब क्या पढ़ने की बात हो रही है इंग्लिश, तो इंग्लिश कर लिया यहां पे, ठीक है। अब कब से पढ़ने की बात हो रही है, बचपन से, तो से की अंग्रेजी क्या होगी, वही है निश्चित अनिश्चित के डाटा है, तो यहां निश्चित मान लीजिए बचपन से, तो यहां क्या लगाएंगे हम, लगाएंगे सिंस। अब बचपन की अंग्रेजी क्या होती है, ये तो पता होगा आपको, चाइल्डहुड, क्या होती है चाइल्डहुड, यानी यहां पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ देखिए
तो ये देखिए हिंदी आपने बनाया इस प्रकार कि क्या वे लोग बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में कैसे बोल पा रहे हैं आप लोग, हैव दे नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे। अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें है लेकिन लगा, लेकिन इसमें एक बात छूट रही है जो सिंस और फॉर, कब लगाएं सिंस कब लगाएं फॉर, ये करता है प्रॉब्लम। निश्चित अनिश्चित की बातें तो सिखाने में मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई निश्चित कौन सा है कौन सा अनिश्चित है। तो आइए मैं आपको करता हूं क्लियर कुछ एक नए तरीके से, जो आपको निश्चित और अनिश्चित के डाटा में नहीं जाने देगा और ना ही कभी आपसे सिंस फॉर की कोई मिस्टेक होने देगा। आपके नजर के सामने आते ही सेंटेंस और टाइम में आप कंफर्म कर पाएंगे, ये क्लियर कर लेंगे कि सिंस लगाएं या फॉर। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है एक नया तरीका जो बिना निश्चित और अनिश्चित के ही हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए आप इस वीडियो में और हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और मतलब उसके करते हैं बातें, सिंस फॉर का एक विस्तृत नॉलेज ले लेते हैं और ऐसा लेते हैं कि दोबारा कभी हमें उसके बारे में सोचना और समझना ना पड़े। तो आइए कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्पेशली इसमें हम सिर्फ सिंस और फॉर की बातें करेंगे। ठीक है, देखिए यहां है आपका सिंस और यहां मैं ले लेता हूं आपका फॉर। ठीक है, तो ये देखिए सिंस, सॉरी थोड़ा सा फॉर को और भी नीचे कर देते हैं, ये है आपका फॉर और ये है सिंस। दोनों की मीनिंग क्या है ना, एक ही तो है से, क्या है से। अब यहां पे मैं बात करूं सिंस के लिए, तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, फॉर, ऐसे करिए हाँ, फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल टाइम किसके लिए करेंगे, हम करेंगे इसका प्रयोग अनकाउंटेबल टाइम के लिए करेंगे। अब चूंकि अनकाउंटेबल टाइम होता है क्या है इसको समझना जरूरी है। अनकाउंटेबल टाइम का मतलब जिस समय को काउंट न कर पाए, दूसरी भाषा में समझे कि जिस समय में आप एस नहीं लगा सकते, यानी जिस समय का प्लूरल वर्जन नहीं होता उसी को हम अनकाउंटेबल टाइम कहते हैं। तो आइए कुछ इस प्रकार से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं लेता हूं, यहां पे क्या है मेरा मॉर्निंग, क्या है मॉर्निंग। अब इसके बाद क्या रहेगा, तो ये रहेगा नून, और इसके बाद मैं बात करूं तो यहां पे क्या आएगा इवनिंग आएगा। क्या दोस्तों कभी आपको ये मिला है मॉर्निंग को किसी ने कभी भी मॉर्निंग्स कहा है, नहीं कहा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल टाइम है। क्या कभी इवनिंग को इवनिंग्स किसी ने कहा, नहीं कहा, क्योंकि इसमें प्लूरल नहीं है और ये अनकाउंटेबल टाइम में काउंट किया जाएगा। चलिए, तो अनकाउंटेबल टाइम का ये समय है। अब लेते हैं हम दूसरा पॉइंट इसमें, तो दूसरे पॉइंट में बात करेंगे इस प्रकार, क्या नेम ऑफ किसका कर लेते हैं, सॉरी नेम ऑफ डे और फिर किसका करते हैं मंथ और फिर किसका करते हैं ईयर। तो डियर जरा यहां पे देंगे आप ध्यान कि नेम ऑफ डे मंथ ईयर, अगर मैं दिन के नाम की बात करूं तो शुरुआत इसकी कर लेते हैं हम कहां से, संडे से, और संडे से ले लेते हैं अपना कहां तक, सैटरडे तक, कहां तक सैटरडे। अब अगर मंथ की बात करें तो आप इसकी शुरुआत कर लो जनवरी से और चले जाओ कहां तक, दिसंबर तक, कहां तक दिसंबर। अगर आप ईयर की बात करते हो तो आप ईयर में कर लो यहां से 2010 से मेंटेन करो 2000, करंट स्थिति
23 तक। अब जैसे अगर मैं बात करूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या कभी किसी ने संडे को संडेज कहा है? नहीं कहा है, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनेगा। क्या कभी किसी ने मंडे को मंडेज कहा है? नहीं कहा, क्योंकि प्लूरल नहीं बनेगा। तो आप ये याद रखिए कि दिन के किसी भी नाम का प्लूरल नहीं होता है। और उसी प्रकार से मैं बात करूं मंथ का, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, किसी भी महीने की बात करें, जनवरी को कभी किसी ने जनवरीज नहीं कहा, फरवरी को किसी ने फरवरीज नहीं कहा, दिसंबर को कभी दिसंबर्स नहीं कहा गया, तो ये कंफर्म है कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और प्लूरल नहीं है तो टाइम क्या है? अनकाउंटेबल, मतलब जिसकी गिनती ना हो सके। अगर गिनती में देखो, जैसे कि अगर बात करें पेन, पेन का अगर देखें तो क्या होता है? प्लूरल पेंस होता है, यानी उसकी काउंटिंग हो सकती है। अगर बुक की बात करें तो क्या होगा? बुक में एस लग सकता है, बुक्स, काउंटिंग हो सकती है। तो यहां पर हम उस समय की बात करें जिसकी काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। अभी देखिए 2010 है ना, लग रहा होगा वो तो काउंटिंग है, सर हमने काउंट किया 10, तो क्या 2010 है, 2011 है, 12 है, कुछ भी कर लो भाई, लेकिन उसमें एस नहीं लगेगा। किसी ने कभी बोला क्या 2010s? बोला नहीं, बोला ना, तो उसमें यस नहीं लगेगा। 2020, क्या किसी ने 20s बोला? नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम अनकाउंटेबल है, वो फिक्स फॉरएवर होता है। और विच टाइम इज फिक्स फॉरएवर? दैट नेवर एक्सेप्ट एस, यानी प्लूरल को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गएगी। तीसरी पॉइंट एक और हमारे पास है, ठीक है, ये तीसरी, इसमें आता है अपना क्लॉक। क्लॉक में देखें, जैसे कहा जाए, थोड़ा सा इसे और नीचे लेते हैं तो ज्यादा सही आएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे कर लेते हैं क्लॉक। जैसे कहें टू ओ क्लॉक, अगर मैं फिर कह लूं फाइव ओ क्लॉक, देखिए तो ये हो गया टू ओ क्लॉक, 5 o'clock, 6 o'clock की बात कर लो, 10 o'clock की बात कर लो, क्लॉक चाहे जितने बजा लो, लेकिन कभी क्लॉक में यस नहीं लगता, ठीक है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो जो अनकाउंटेबल टाइम है। और यहाँ पे मीनिंग समझो, एक और भी इंटरेस्टेड बात ये है, इंटरेस्टेड बात वो ये है कि 2 o'clock, इस ओ की मीनिंग क्या है? कोई बताएगा आप में से? बताना चाहेगा? नहीं बताना चाहेगा? क्यों भाई, बताना तो चाहिए ना। 2 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock सुनते आ रहे हैं, लेकिन ओ की मीनिंग कौन बताएगा? मैं बता दूं, ओ की मीनिंग यहां पे होती है, क्या होती है ओ की मीनिंग? यहां पे ले सकते हैं, कहीं पर भी ले लो, यहां लेना है तो यहीं पे ले लो, ऑफ। और इससे आपकी मीनिंग क्या होती है? का, हिंदी। क्या होती है हिंदी मीनिंग? क्या लेंगे इसकी? ऑफ मीन्स क्या? का। हाँ, तो समझो जरा, ये जो 2 o'clock, 2 मतलब 2, क्लॉक मीन्स बजना, ओ का मीनिंग मैंने बताया ऑफ, मतलब का, तो घड़ी का 2 बजना। यहां देखें 5 o'clock, तो 5 मतलब तो 5 है, होता 5, और क्लॉक मतलब क्या है? बजना, और ओ मतलब ऑफ, तो घड़ी का 5 बजना, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में 5 o'clock। मुझे उम्मीद है कि डियर गाइस आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो मन को भाग गया होगा, तो मन को भाग गया तो इसको पकड़ के अपने साथ रखना, मतलब इसको अपने पास रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल्स कहाँ है। फिर भी देखो, अभी हम क्या बात करते हैं, कौन सा लेते हैं? फार की कुछ बातें करते हैं। तो यहां पर फार की बात करेंगे तो ये रहेगा फार किसके लिए? काउंटेबल। किसके लिए रहेगा? काउंटेबल टाइम। किसके लिए रहेगा? काउंटेबल टाइम, ठीक है, फॉर काउंटेबल टाइम। किसके लिए बोला जाएगा? फॉर काउंटेबल टाइम के लिए बोला जाएगा। तो यहां पे जरा लेंगे हम क्या, इस तरह से, जैसे हम कहेंगे हावर्स, और क्या कहेंगे? डेज, और हम क्या कहेंगे? मंथ्स, और हम क्या कहेंगे? ईयर्स। तो जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी समय यहां पे मैंने, जितने भी समय को मैंने लिखा है, सब में यस कहीं ना कहीं दिखा है। जितने भी समय को मैंने लिखा है उसमें सब में कहीं ना कहीं यस दिखा है, ठीक है। तो ये, चलिए मुझे उम्मीद है कि जो, जैसे हावर्स, 2 hours मतलब 2 घंटा, 1 मतलब 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना,
चार साल, एक साल, दो साल, तीन साल, चार, यहां काउंटिंग है और यहां पर नाम है। कुछ बच्चे कहते हैं कि यहां पर डे है, डे मंथ ईयर यहां भी है, डे मंथ ईयर यहां भी है, तो ढेर ज्यादा ध्यान तो दो कि यहां नाम की बात है और यहां सिर्फ दिन और महीने की बात है। तो जहां नाम की बात आ रही है वहां पे सिंस लगता है, और जहां पे सिर्फ दिन को बताया जाए, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, वहां पे सिंस नहीं लगता। और यहां पे एक बात और याद रखेंगे, यहां नोट के रूप में, किस रूप में, नोट के रूप में याद रखेंगे। एक छोटा सा नोट मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। देखो यहां जरा देखना, टाइम, ये अगर टाइम, टाइम के पीछे एस, देखिए अगर हम यहां पे देखते हैं, टाइम के पीछे अगर आपका यस कट है, यस नहीं है, तो गारंटी है कि आगे क्या आना है, सिंस आएगा। अब दूसरा में बात कर लो, फॉर, यानी टाइम में क्या लगा हो, टाइम में एस लग जाए तो आप क्या लगाओगे, फॉर, ये ऐसे, ये देखिए। इतना अगर आपको लंबा चौड़ा लेक्चर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा हो तो छोटी सी बात जरा याद रखिए। वो छोटी सी बात क्या है कि जिस टाइम के पीछे यस नहीं आता, जिस टाइम के पीछे यस नहीं आता या यस नहीं लगा होता या यस नहीं लग सकता, उसके सामने क्या लगेगा, सिंस लगेगा, गारंटी है। और जिस समय के पीछे यस लगा होता है या यस लग सकता है या यस लग, मतलब लगने वाला है, उसमें जोड़ा जा सकता है, जैसे यहां देखिए हावर्स, डेज, मंथ, ईयर, सभी में यस लगा है, तो यहां पर देखिए टाइम प्लस यस का मतलब क्या आना चाहिए, फार आना चाहिए। तो ये वाला ट्रिक आपका ज्यादा बेहतर है कहीं इनसे। और अगर इतना आप डाटा कर लेते हैं क्लियर, तो सिंस और फार में कभी नहीं होगी आपकी कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार के। तो देखिए बस एक लास्टली ये वाला अपने पास जरूर रख लीजिए, कौन सा, कि यदि समय में यस नहीं होता है तो आगे सिंस आता है, और समय में अगर पीछे यस लगा होता है तो आगे क्या आता है, फार आता है। इस छोटी सी पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो ये सिंस और फार का एक लंबा जो पॉइंट होता है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, बिल्कुल आसान सी भाषा में, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप डिटेल जाना चाहें तो ये है, और कम शब्दों में देखें तो यहाँ है, और हमेशा के लिए प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी सिंस और फार को लेके। और टेंस से जब भी प्रश्न पूछने की बात होती है तो सिंस और फार का एक कॉमन एरर जरूर उसमें मेंशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा का पूरा समझ गए होंगे सिंस और फार का, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हो गया, और उसके अंदर आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिंस और फॉर है, जो आपका क्लियर है। तो डियर फ्रेंड, आज की ये वीडियो होती है कंप्लीट यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से समझ पाए होंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हमने आज की वीडियो में कवर किया, और नेक्स्ट में मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ। तो आज